हाय मम्मा। हाय, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग गुल्लक को फोड़ेंगे। ये गुल्लक कहाँ से आया? किसका गुल्लक है ये? ये आयुष। ओह, ये आयुष का गुल्लक है। आयुष गुल्लक फोड़ेगा। चलो फोड़ो। तो ये सेव क्या किया है किसने? ये तो बताओ, सब कुछ बताओ तो सही। ये सेव किसने किया है? पापा। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मा आयुष का सेविंग है जो मम्मा ने किया है, ठीक है? गुड गुड गुड। ओके, 1 2 3 झटा। और जोर से करो आरुष, और जोर से। हाँ करो करो करो। जैसे बोले थे ना आरुष, ऐसे बोला था पापा, आरुष जोर से मारेगा। हाँ जोर से मारो आरुष। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, डटी होने दो। पापा विल क्लीन। उसका वो वाला हैंड हटाइए छोटा सा। अरे जोर से स्लोली अपने पैर पे ना मार ले। देखो इतना जोर से किया लेकिन लाया धीरे से। देखे जैसे जो चलो चलो चलो, थोड़ा ठीक से फोड़े अपन मारो। आरुष ऐसे तो फूटेगा, हमको डर लग रहा है। आरुष जाते जाते स्लो हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ के करवाइए। हाँ कर, कर। गुड गुड शॉट आरुष। वन मोर। यस। ये ओ माय गॉड, ये है मेरा सेविंग गाइस। ये मैंने एक साल भी नहीं बोलूंगी मैं। मैंने मैसूर में कब हम लोग गुल्ला खरीदे थे? ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में खरीदे थे ना? खरीदे हम थोड़ा पहले से, लेकिन हाँ ठीक है, डालना हमने फरवरी से ऐसे से। हाँ जनवरी फरवरी नहीं, जनवरी तो नहीं, फरवरी मार्च कुछ ऐसा मैंने गुल्लक में सेविंग। नहीं, हम लोग खरीदे थे, मैं बता रही हूँ, फरवरी मार्च में ही खरीदे थे। तो ये ऑलमोस्ट लाइक इस साल का सेविंग्स है मेरा। सो गाइज, अब ये कैलकुलेशन होगा कि ये टोटल कितना है। तो 500 का अलग, 200, 100 का अलग अलग करिए। तो अब मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा पैसा इकट्ठा करेंगे, मैंने कितना इकट्ठा किया है। सो गाइज, ये सेविंग्स है, आरुष के बर्थडे पे हम इस सेविंग से गिफ्ट खरीदेंगे। जो भी टोटल अमाउंट रहेगा मैं इसके लिए कुछ सेविंग्स करने वाली हूँ। सो लेट्स, जब तक ये लोग है ना मतलब काउंट करते हैं, मैं तुरंत थोड़ा सा मेकअप करके आ जाती हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरा एक टेस्ट बाकी है, और उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे। बोले 1 2 3 4 5। हाँ तो सिखाया नहीं इसको, इसको हिंदी आ गया 1 2 3 4 5। नहीं 1 2 कैसे बोल रहे थे? चलिए आप लोग काउंट कीजिए, इतना मैं वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। सो गाइस, बहुत सारा पैसा है, पहले इकट्ठा हो जाए फिर मैं। सो गाइस, मैं आ गई रेडी होके, और अभी तक इतना कैलकुलेशन चली जा रहा है, और ये नोट इकट्ठा कर रहे हैं, और ये कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं, और सब पॉकेट में भर रहे हैं। आरुष, हाँ इतना सारा कॉइन मम्मा आरुष के लिए रखी थी। गड्डी तो अच्छा मोटा खासा बन रहा है गड्डी, बट अभी कितना होगा पता नहीं। और मैं बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट फील कर रही हूँ, बट ठीक है, अभी मुझे थोड़ा पार्लर भी जाना है आईब्रो बनवाने के लिए। सो दो दिन बाद, एक्चुअली एक दिन बाद आरुष का बर्थडे है, तो उसकी प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं, और सब कुछ तैयारी करना है फटाफट से। सो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आरुष का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो, और लेट्स सी कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको अच्छा बनाने में। कितना हुआ टोटल? 47,000। मतलब ये इकलौता 547,000 है, और अभी मेरे पास यहाँ 100, 200 का नोट है, 20 और 10 का नोट है, और आरुष के पास थोड़ा चिल्लर है। आरुष के पास सबसे ज्यादा अमाउंट है, सबसे भारी अमाउंट आरुष के पास है। ये डन है ना, 47 ही है। अच्छा, सो गाइस मैं इसके लिए दूध लेकर आई हूँ, और इधर देखिए ये क्या कर रहा है तब से।
कौन क्लीन करेगा आरुष ये सब? कौन क्लीन करेगा? आरुष को आवाज नहीं आ रहा है। देख लो अब और स्टंट करके दिखाएगा। हाँ आरुष क्या हुआ लल्ला? ये देखिए धीरे। सो गाइस अभी हम लोग लॉयल वर्ल्ड गए थे, वहां से हमने चॉकलेट लिया है और क्या लिया था, और एक हाँ और एक लेमन कंसेंट्रेट लिया हुआ है जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अमूल ब्रांड का जो कंपाउंड है ना, चॉकलेट कंपाउंड, वो ज्यादा टेस्टी है। मैं पहले एक सेकेंड आरुष, पहले मैं मॉर्डे का यूज करती थी। कहाँ से पार्सल ले लिया? अच्छा तो मैं पहले मॉर्डे का कंपाउंड यूज करती थी, वो अच्छा था, बट अमूल और भी ज्यादा टेस्टी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैं कौन सा अभी रिसेंट में यूज कर रही हूँ, सो दैट आपको भी बेकरी चीजों जब आप घर पे बनाए तो आपको ज्यादा हेल्प हो। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। वो तो नकली सुई, अभी असली वाला सिल करने वाला है। आरुष के पास जो सुई है वो नकली है। सो गाइस अभी हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, अभी जा रहे, मतलब ग्लूकोज मैंने पी लिया है, अब एक घंटे के बाद मुझे एग्जैक्ट आना है, तो वो एक घंटा मुझे यूटिलाइज करना है। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने, फिर आके मेरा ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा प्लस ग्लूकोज टेस्ट होगा, तो ये दो टेस्ट मैंडेटरी होता है। तो ठीक है आरुष पापा का वेट कर रहे हो? सो गाइज मैंने शॉपिंग कर लिया, यहाँ से भी हमने बहुत कुछ लिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें से सब कुछ ही यूज नहीं होगा, कुछ कुछ यूज होगा, कुछ कुछ बच भी जाएगा, बट अभी भी मुझे कुछ चीज लेना है और अभी एक घंटा हो चुका है और मुझे तुरंत हॉस्पिटल भागना है क्योंकि उन्होंने कहा था एग्जैक्ट टाइम पे आपको वापस आना है। तो हम काफी लेट हो रहे हैं क्योंकि 5 बज रहा और 5 बजे ही हमें वहां पहुंच जाना। बोलो बोलो व्हाट आर यू डूइंग आरुष? आई डूइंग और हमारा ग्लूकोज टेस्ट भी हो गया, एक घंटे के बाद रिपोर्ट आएगा। वाओ दिस इज पनीर आरुष। वाओ यू आर ईटिंग पनीर, ही सच अ गुड बॉय। सो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी पहुँच के थोड़ा डिसाइड करके फिर बता रहे। क्या बोलो बोलो। यू हैव मनी? यस गर्भ मनी है, ये पैसा है। दोनों सही से दोनों वो ये खोलो मत, खोलो मत, वैसे मत, खोलो मत, दे दो भैया को, दे दो खोलो भैया लाओ भैया। कितना बोला था अंकल ने बोल? आयुष सिंह सिंह। देखो वो स्टोरी बना रहे हैं, वो बोले आरुष सिंह तो ये बोलते हैं अंकल सिंह। सो गाइस फाइनली हमारा सारा शॉपिंग हो गया है। बोलो बोलो किया। तो अभी घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है, और अभी फिलहाल हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि सुबह से नहीं दोपहर से निकले और काफी थक गए हम लोग। घर जाके खाना बना के एनर्जी मैं ड्रेन नहीं करना चाहती क्योंकि कल मुझे बहुत सारा काम है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो फिलहाल चलते हैं कुछ टेस्टी टेस्टी यमी यमी सा राइस और इडली वगैरह एंजॉय करते हैं। सो गाइज मैं कल तो आप लोग को दिखा नहीं पाई, आरुष को खाना खिलाना था और मैं बहुत थक गई थी, ये भी थक गए थे। तो अभी हमने बनाए हैं
मैंने बनाया है गुलाब जामुन जो कि अभी बन रहा है, ये अभी जस्ट सोक हुआ है, ये कल सर्व होगा तो कल तक ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये अभी देखिए कढ़ाई में, और ये अभी इधर ये सारे बॉल्स मैं बना रही हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे मैं बहुत थक चुकी हूँ। बट या जो जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मैं दिखाऊंगी धीरे धीरे, और ये पूरा भर के रहेगा, मुझे इसको हाफ करना पड़ेगा वरना सब बाहर आ जाएंगे। आई डोंट नो कैसे मैं मैनेज करूंगी, मेरे पास इससे भी बड़ा बर्तन नहीं है। पापा जी के पास खड़गपुर में तो है लेकिन यहाँ नहीं है। आई विश मैं कोलकाता में होती तो खड़गपुर से पक्का मंगवा लेती, बट एनी हाउ आई एम मैनेजिंग। लेट्स सी कितना कैसे क्या हम मैनेज कर। आरुष क्या है ये? गुंदा बाल। बोलो गुलाब। 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 जामुन। जामुन। नहीं आता आरुष को, नहीं आता आरुष को, आता है। बोलो गुलाब। 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 जामुन। आरुष का गाइस ये गुलाब जामुन बहुत ही फेवरेट है। मैं घर पे बनाती नहीं हूँ, बट हम रेस्टोरेंट जाते हैं ना तो ये खाना स्किप करके दो गुलाब जामुन खा जाएगा, बट खाना नहीं खाएगा, इसको इतना पसंद है ना आरुष। पार्सल नहीं लाई है मम्मा, बनाई है। हाँ बनाए बॉटल, वो दूसरा बॉटल है आरुष। सो गाइज ये देख सकते हैं टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो गाइज मैं सब कुछ खुद से प्रिपेयर कर रही हूँ घर पे, और ठीक है मैं थोड़ा सा मैसी लग रही हूँ बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ दही वड़ा। ये मैंने उड़द दाल सोक किया हुआ था, ग्राइंड कर रही हूँ, उधर ग्राइंड हो रहा है, पूरा किचन मेरा मैसी है, बट आप इसको भूल जाइए। ये तेल चढ़ा हुआ है, गुलाब जामुन मैंने उधर रख दिया है अभी। सो फिलहाल गाइज ये दही वड़ा बन रहा है, और इधर पे देखिए एकदम मस्त, इसके अंदर काजू किशमिश वगैरह सब है, तो जब एक दही वड़ा खाएंगे तो उसमें बहुत सारा ब्लास्ट होगा, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। अभी ये डेकोरेट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैं रात को 3 बजे अपना केक बना के कंप्लीट की, और आज है आरुष का बर्थडे, एक्चुअली 12 बजे था। हमने थोड़ा हम इसको खाना उस टाइम खिला रहे थे, हमने विश किया, लेकिन क्या है कि ठीक है ये भी ऐसे ही और अभी भी रो रहा है, बट ठीक है। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ ताकि मैं आज का दिन फिर से शुरू कर सकूँ। आज है आरुष का बर्थडे वाला दिन, मतलब ये वीडियो आपको 3 दिन का। आपको पता है एक हमारी नेबर आंटी है, उन्होंने मुझे ये सारा बर्तन दे दिया, उनका भाई है शायद, भैया वो केटरर है, तो उनसे मांग के मेरे लिए बर्तन आ गया है। तो यहाँ पे सब लोग इतना है, सब लोग मुझे चिल्ला भी रहे थे कि क्यों तुम कर रही हो प्रेगनेंसी में इतना ये वो, बट ठीक है मेरा मन था, और लेकिन सब किसी ने मुझे रोका नहीं, सब मेरे लिए मतलब खड़े है कि क्या करना है। और अभी भी आरुष को भेजने के बाद मैं एक कॉल करूँगी, मतलब 10 लोग आ जाएंगे, ऐसा सिस्टम है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब यहाँ पे सबके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है। सो या फिलहाल मैं आपको केक मैंने डेकोरेट नहीं किया है, अभी सिर्फ रखा है 4 बना के लेयर करके, अभी मुझे इसको डेकोरेट करना है। आरुष भी आ गया केक देखने क्योंकि ये रात में देख रहा था कैसे कि ओ आरुष का केक। ये किसका केक है आरुष? आरुष के लिए केक है, लेकिन अभी आरुष बढ़िया से हम डेकोरेट कर देंगे, ठीक है। क्या है आरुष आज? आरुष आज क्या है? सोने जा। क्यों रात को फिर जग रहे थे? पीछे पीछे क्यों पड़े हुए थे हम लोग के? सोने जा बोला। चलो हम लोग चलो आरुष हम स्कूल जाएंगे। सो गाइस ये रात का बर्तन मैं छोड़ दी थी 3 बजे। फिलहाल मैं जा रही हूँ सूजी का इडली बनाने और पाव भाजी बनाने। वेजिटेबल्स तो मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, टमाटर वगैरह ऑर्डर किया था सुबह। अभी बहुत सारा आइटम है पर उसमें से एक आइटम है पाव भाजी, उसके लिए वो वाला बर्तन भी है ना खड़गपुर में, सेम ऐसे ही पापा के पास भी है। तो क्या होता है कि मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास इतना बर्तन है नहीं। कोलकाता में होती तो एकदम हो जाता पार्टी घर पर बढ़िया, बट ठीक है ये पाव भाजी मसाला। फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ बिकॉज हैव टू प्रिपेयर सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आरुष का बर्थडे व्लॉग आएगा, आप लोग उसको एंजॉय कीजिएगा।
एंड आई नो लाइक इट्स बीइंग टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम एंजॉइंग दैट. सो या, थैंक यू, कीप ब्लेसिंग्स, और आरुष को बहुत सारा विश कीजिएगा. बाय.